आज के शो में मैंने तकरीबन 27 पेंटिंगें रखी हैं, ये मुख्तलिफ़ टॉपिक पे हैं। मैंने 84 में पेंटिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद से नॉन स्टॉप मैंने पेंटिंग बनाई है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2000 तक पेंटिंग बन चुकी हैं। मेरे मीडियम जो है ऑयल ऑन कैनवस है, मैं सिर्फ ऑयल ही पेंट इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें चूंकि मुझे बहुत आसानी होती है मिक्सिंग करने में, और जो मेरा सब्जेक्ट है उसके लिए देर तक मुझे कलर वेट की ज़रूरत होती है, वो क्योंकि एक्रेलिक बहुत जल्दी सूख जाता है, मेरे लिए वो रुकावट बनता है, तो इसलिए मैं ऑयल पेंट इस्तेमाल करता हूँ। हर शहर का एक अलग ही मिजाज है जिससे मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ, उनके कल्चर से, उनके रहन सहन से, उनकी खिड़कियों के जो डिज़ाइन हैं, वहाँ जो कपड़े लटके होते हैं उनके अंदर रंगों का इस्तेमाल, वो मेरे लिए बहुत ही इन्जॉयबल होता है। उसमें मौका मिलता है तरह तरह के कलर इस्तेमाल करने का। पेंटिंग के बारे में पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे बनाना क्या है, उसके बाद फिर मैं उसके लिए मुख्तलिफ़ अज्ज़ा इकट्ठे करता हूँ, उनको शूट करता हूँ, उनकी कंपोजिशन पर देख के उसके मुताबिक फिर मैं कैनवस बनवाता हूँ। तो इस तरह फिर मैं जब पेंटिंग शुरू करता हूँ तो फिर मुझे नहीं पता होता भाई कब बनेगी, लेकिन मेरे लिए एक पेंटिंग नशा है, मुझे टाइम का कतई एहसास नहीं होता कि किस तरह से गुजर है। ये मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें टाइम तो यकीनन लगता है, जब तक कि हम इसमें वक्त नहीं सर्व करेंगे पेंटिंग की क्वालिटी नहीं बन सकती। काम के सिलसिले में मैं जो फ़ोटोग्राफी करता हूँ उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता है, बाज़ बड़े दिलचस्प वाक़यात भी मेरे साथ हो गए,
जैसे एक दफ़ा एक घर के सामने मैं घर की एंट्रेंस की तस्वीर खींच रहा था, तो तफात से उधर से मालिक आ गया। उसने इस बात पर इतराज़ किया, मैंने कहा भाई मुझे असल में पेंटिंग बनानी है। कहने लगा तो यही दरवाज़ा क्यों, कोई और हो सकता है? मैंने कहा जो बात इसमें है वो किसी और दरवाज़े में नहीं है। फिर मैंने उनको बताया, मेरे पास जो रेफरेंस है, मैंने उनको जब बताया तो उनको थोड़ी तसल्ली हो गई। आज के शो में मैंने जो कुछ भी बनाया, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा, क्योंकि गुज़श्ता कामों की तरह इसमें थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ मिजाज नज़र आएगा। आप लोग ज़रूर आइए और उम्मीद है कि आप काम को एंजॉय करेंगे।